हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए कुछ 70s की पुरानी यादें लेकर आई हूँ। कैसा था उस टाइम का दौर? राज कपूर संग रोमांटिक सीन करने से घबरा रही थी एक्ट्रेस। फ्लॉप हुई फिल्म, फिर 1975 में रच दिया इतिहास। बॉलीवुड में शोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले राज कपूर ने अपने दौर में ही कई ऐसी फिल्म की और बनाई हैं जो यादगार साबित हुई हैं। उनकी फिल्मों का रोमांस दर्शकों का दिल जीत लेता था, लेकिन साल 1968 में आई एक फिल्म में राज कपूर के साथ रोमांस करना एक्ट्रेस के लिए बहुत मुश्किल था। वो एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म थी। साल 1968 में राज कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सपनों के सौदागर। इस फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में बॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस ने कदम रखा था, लेकिन एक्ट्रेस के लिए खुद से 26 साल बड़े एक्ट्रेस संग रोमांस करना काफी मुश्किल रहा था। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। जाने कौन थी वो पॉपुलर एक्ट्रेस। साल 1968 में फिल्म सपनों के सौदागर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। ये हेमा के करियर की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने खुद से 26 साल बड़े राज कपूर संग रोमांस किया था। इस एक सीन को शूट करने के लिए हेमा उस वक्त काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि राज कपूर उस वक्त 40 के पार थे और हेमा टीनेज में इस तरह के रोल को करते हुए असहज थी। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने ही किया था। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि उस दौरान खुद से इतने बड़े एक्ट्रेस के साथ इस तरह का सीन करने में उनके पसीने छूट गए थे, क्योंकि दोनों की ही उम्र में काफ़ी बड़ा अंतर था। उस वक्त हेमा नई थी और उनके लिए डिमांड करना करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस सीन को कंप्लीट किया था। बात अगर हेमा मालिनी की डेब्यू फिल्म की करें तो उनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। करियर की पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में वो मुकाम बनाया था जो किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं था। अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया था, लेकिन किस्मत उनकी साल 1972 में आई फिल्म सीता और गीता से चमकी थी। हालांकि इस फिल्म के लिए पहली पसंद मुमताज थी, इसके बाद साल 1975 में आई मल्टी स्टार फिल्म शोले से तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक धाक जमा ली थी। इस फिल्म में निभाया उनका तांगे वाला बसंती का किरदार लोग आज भी नहीं भूल पाए। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने अपने करियर से भी सभी का दिल जीता था। इस किरदार को पर्दे पर निभाकर एक्ट्रेस ने इतिहास रच दिया था। फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।